बागी सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त। दरअसल कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले का आरोप लगाया था। कीर्ति आजाद के मुताबिक डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए अरुण जेटली ने घोटाला किया था। अब कीर्ति आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सस्पेंड किया गया है। यह भी खबर है कि इससे पहले उन्हें अमित शाह ने इस तरह के खुलासे करने से रोका था या इसके लिए कहा था, ताकीद की थी, हिदायत दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद कीर्ति आजाद लगातार आवाज उठाते रहे और अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सस्पेंड किया गया है। दरभंगा से सांसद हैं कीर्ति आजाद, बीजेपी के सांसद। रविंद्र कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस वक्त। रविंद्र, ये तो होना ही था कि तर्ज पर ये अभी कार्रवाई की गई है कीर्ति आजाद के ऊपर, जिस तरह से वो लगातार खुलासे कर रहे थे अरुण जेटली के खिलाफ, लेकिन अब धीरे धीरे पार्टी में इस तरह का माहौल बनता जा रहा है, उनकी आवाज अब बुलंद कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, तो पार्टी में किस तरह की हलचल है, जो जो नई कवायद हुई है सस्पेंशन की कीर्ति आजाद को लेकर, इसको लेकर पार्टी में आगे क्या रुख देख रहे हैं आप? देखिए अजीत, कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है कीर्ति आजाद द्वारा। जाहिर तौर पर आपने सही कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा न सिर्फ आज बोल रहे हैं बल्कि बिहार चुनाव के दरमियान भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे थे, कई तरह का बयान दिए थे, लेकिन उस समय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आरके सिंह सांसद हैं, पहली बार जीते हैं बीजेपी से, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब अरुण जेटली खिलाफ कीर्ति आजाद डीडीसीए मामले में खुलकर सामने आया और उसका फायदा संसद सत्र के दौरान ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उठाया, इसका आपने भी देखा, तो उसको देखते हुए पार्टी काफी नाराज थी। अरुण जेटली एक तरह से पार्टी नेतृत्व को भी कह रहे थे कि किसी भी सूरत में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के सामने एक दुविधा थी कि अरुण जेटली या कीर्ति आजाद, जाहिर तौर पर पार्टी अरुण जेटली की बात को मानेगा और उसके बाद पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया। संसद सत्र खत्म होते के साथ ही अमित शाह पार्टी अध्यक्ष ने पार्टी के अन्य नेताओं से बातचीत की। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीनियर मिनिस्टर्स से बातचीत हुई थी इस संबंध में और उसके बाद फैसला ले लिया गया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनका निलंबन हो गया है। जाहिर तौर पर संदेश दिया गया कि आगे इस तरह का कोई बयान न दे जिससे पार्टी को और फजीहत हो। जाहिर तौर पर जो जैसा आपने कहा शत्रुघ्न सिन्हा, शायद आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी कोई ना कोई किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर उनकी बोल इसी तरह के रहे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक सख्त हिदायत के तौर पर, एक संदेश के तौर पर ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जो पार्टी विरोधी बयान देते हैं और पार्टी की फजीहत होती है।